हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप लोग सोचते होंगे कि कभी कभी आता है, कभी कभी जाता है, भाई क्या करते हो? हाँ दोस्तों, कुछ काम कर रहा हो जिसके लिए कंटिन्यू नहीं रह पाता हूँ। और डिलीवरी का काम जो है मैं डेली करता हूँ, ठीक है, वो पार्ट टाइम के हिसाब से करता हूँ, कभी 2 घंटा कभी 4 घंटा। उसी से जो मिलता है वो एक्स्ट्रा इनकम हो जाता है, तो उससे मेरा रूम का जो रूम रेंट और खाना पीना वो चल जाता है। बाकी और काम करता हूँ जिसके उस थोड़ा बहुत सेविंग्स होगा, क्योंकि मैं बोला था पहले जो डिलीवरी काम करता है उसका कुछ भी सेविंग्स नहीं बचता है, वो बस आता है और चला जाता है। जैसे कि डिलीवरी में आता है और चला जाता है, ऐसा ही सेम, ठीक है, ऑर्डर पिकअप करो, ऑर्डर डिलीवरी करो और पैसा भी आएगा और जाएगा, ऐसा ही कुछ सिस्टम है। इसीलिए कुछ और काम करना जरूरी था और करने भी वाला हुआ और कर भी स्टार्ट भी कर दिया, सॉरी करने वाला नहीं, करना स्टार्ट कर दिया बहुत पहले से। और आज फिर से मैं स्विगी के साथ निकलने वाला हूँ। दोस्तों आज क्यों जा रहा हूँ, और आज 4 घंटे के आसपास काम करूँगा, 11 बजे से 3 बजे तक, मतलब 4 घंटे का, वो पार्ट टाइम के हिसाब से होगा। और अभी मैं फिलहाल 4 घंटा ही करके काम करता हूँ डेली, और आज धूप नहीं है, मतलब बहुत कंफर्टेबल है। तो पहले लॉग इन कर लेता हूँ, उसके बाद धीरे धीरे बातचीत करता रहूँगा, और काफ़ी सारा बातचीत करना है, आप लोगों से शेयर करना है। तो टाइम हो गया, पहले तो लॉग इन मोबाइल स्क्रीन पर जा रहा हूँ अभी फिलहाल। और ये एक बात बताना जरूरी है, ये जो मैंने QR कोड रखा, क्योंकि हमेशा जब कैश ऑन डिलीवरी होता है तो कस्टमर लोग बोलता है कि अब स्कैन करना है QR कोड, तो मैं उसी को ही ऐसे लगा दिया, प्रोफाइल नहीं, वॉलपेपर के हिसाब से। तो मैं जल्दी जल्दी इसको दिखा देता हूँ, जिसके लिए मेरा जो पैसा है वो जल्दी जल्दी मिल जाता है, ठीक है। और अभी के लिए मुझे जाना है, ये देख सो डिलीवरी, स्विगी डिलीवरी, और मैं फिलहाल स्विगी में ही काम करता हूँ। ये मेरा 2 से 3 दिन में पार्ट टाइम के हिसाब से काम करूँ, मैं आप लोगों से बोला तो ये 2 दिन का शायद कमाई होगा, ठीक है। और अभी मेरा ड्यूटी स्टार्ट करने का टाइम आप देख सकते हो, 11 बज चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, पूरा 00 हो गया। तो मुझे पहले लॉग इन करना है, क्योंकि लॉग इन करने से पहले पहले ऑर्डर लग सकता है। तो लॉग इन करने के लिए ये जो ऑप्शन है दोस्तों, ये पे चला जाता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा लाइट इज स्टार्ट ड्यूटी बोल रहा है, तो स्टार्ट ड्यूटी कर दिया, इसमें ओके बोल रहा है, ओके कर देता हूँ। ओके, अभी मैं फिलहाल लॉग इन तो हो चुका हूँ, अभी पहले ऑर्डर कब लगेगा वो देखना है दोस्तों, ठीक है। और 11:01 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी ऑर्डर के इंतजार में रहना है। और दोस्तों क्या बताऊँ, बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन धीरे धीरे बातचीत करना रहूँगा। और एक बात है कि आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हो, जिसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, हर कोई परेशान है, लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा ही हूँ। और कुछ दिन से अभी फिलहाल थोड़ा बहुत सही चल रहा है, लेकिन वीडियो शूट नहीं कर पाता हूँ, चैनल जो है पूरी तरह डाउन हो गया, अभी व्यूज़ भी बिल्कुल भी नहीं आता है। पहले यूट्यूब से भी कुछ पैसा मिलता था, जिसके वजह से मेरा कुछ ना कुछ हेल्प होता था, लेकिन अभी वो भी नहीं मिलता है, क्योंकि वीडियो ही मैं अपलोड नहीं कर पाता हूँ। और अभी सोच रहा हूँ कि धीरे धीरे फिर से वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। कल मैं कुलदीप क्रिएटर जो एक भाई है, वो भी ऐसा ही डिलीवरी बॉय का ब्लॉग बनाता था, तो उनका वीडियो मैंने देखा, वो 2 महीना तक क्विट कर दिया था, फिर अभी स्टार्ट किया है। उसका भी सेम ही हालत है, मेरे जैसा ही है कि वो, और हम लोग ऐसे नहीं कि ऐसे ही बंद कर दिए, कुछ मजबूरी था जिसके लिए मुझे बंद करना पड़ा। और हम लोगों का जो वीडियो है दोस्तों, काफ़ी सारा ऐसे ही आप देख पाएंगे, जोमेटो स्विगी रिलेटेड जो वीडियो बनाता है वो लोग, मतलब हर कोई हर किसी का वीडियो देखता है, तो सबका वीडियो कभी कभी चलता है, कभी कभी नहीं चलता है, पता नहीं किस लिए। जो भी हो, चलेगा नहीं चलेगा वो तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग देखेंगे तो जरूर चलेगा, ठीक है। तो आज मैं काम करने वाला हूँ 4 घंटे, 4 घंटे में पार्ट टाइम करके आपको कितना मिलेगा वो मैं पूरा खुली तरह आपको दिखाऊंगा। और आज है दोस्तों गुरुवार, क्योंकि गुरुवार थोड़ा कम होता है, हर कोई नॉनवेज नहीं खाता है, ठीक है, इसी हिसाब से थोड़ा बहुत कम मिलता है, लेकिन फिर भी जा रहा हूँ, करता हूँ। और कभी कभी ऑफर भी रहता है, ठीक है, आज कुछ भी ऑफर देखा नहीं अभी तक सर्च पे, जैसे कि एक्टिव होता है 11 बजे के 12 बजे के आसपास, तो आज ऐसा स्टार्ट भी नहीं हुआ, लेकिन कितना मिलेगा वो तो पता नहीं, ठीक है। और कुछ और चैनल है दोस्तों, अगर आप लोगों का अगर इंटरेस्ट है उसमें भी जाके देख सकते हो, उसमें कुछ अलग टाइप का वीडियो बनाता हूँ, मतलब अलग टाइप, मतलब टेक्निकल जैसा, ठीक है। और यूट्यूब से जो भी आता है, हर कोई थोड़ा बहुत पैसा कमाता है, मैं भी कमाता था, अब भी नहीं, फिलहाल नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ऑर्डर आने से ही निकल जाऊंगा और देखता हूँ कब तक ऑर्डर लगता है। दोस्तों एक गुड न्यूज़ आने वाला है बहुत ही जल्दी, पता नहीं आप लोगों को कब दे पाऊँगा, लेकिन बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है, ठीक है, लाइफ के लिए सबसे बड़ा गुड न्यूज़ वही होता है, तो जल्दी जल्दी दे दूँगा और उसका वीडियो भी आएगा, तो इंतज़ार करना। और एक बात है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा वीडियो देख रहे हो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, इससे मुझे थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, आप लोगों को थोड़ा जानकारी दे पाऊँगा, ठीक है, वही है।
और धीरे धीरे बहुत कुछ जानने के लिए मिलता है। ब्लॉग वीडियो मतलब ऐसा ही नहीं कि कुछ ही नहीं, बस ऐसे ही बकता रहे, इसमें बहुत कुछ जानकारी होता है, क्योंकि हमेशा हम चलता फिरते रहते हैं तो उसी हिसाब से जानकारी भी देता रहता हूँ, लेकिन सब पूरा नहीं देखता, इसलिए बोलता है ये बेकार का वीडियो। ऐसा नहीं, कोई भी वीडियो में बेकार चीज़ नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है, हर कोई कुछ ना कुछ जानकारी देना चाहता है, उससे आपको भी कुछ फायदा हो सकता है, ठीक है। वही बात हर कोई शेयर करता है, अपना डेली का ब्लॉग जो शेयर करता है उसमें तो हर बहुत कुछ मिलना है, किसी किसी को बहुत अच्छा भी लगता है, ठीक है। मैं भी ट्राई करता हूँ, और अभी तो फिलहाल सिंगल ही ब्लॉग वीडियो बनाता हूँ, कभी ना कभी दोनों का भी बनाऊंगा, ठीक है, तो देखता हूँ कब तक निकलता है। तो दोस्तों स्विगी में डेली कुछ ना कुछ इंसेंटिव रहता है, ठीक है। तो आज मैं इंसेंटिव बोल देता हूँ, मेरा पहले जो आईडी था वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का था, जिसके लिए इंसेंटिव पूरा दिन काम करने पर ही मिलता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। ये देख सकते हो वीकली इंसेंटिव, ठीक है, इसमें दो टाइप का इंसेंटिव दिया हुआ है। तो इसमें अगर मैं चेक करूँगा इसमें क्या क्या इंसेंटिव रखा है, ठीक है, तो इसमें आप देख पाएंगे, और क्या हो गया, ब्लर हो गया फिर से। तो इसमें देख सकते हो दोस्तों, 105 ऑर्डर मैंने कंप्लीट करूंगा तो मुझे ₹725 की इंसेंटिव मिलेगा। उसके साथ अगर 145 ऑर्डर मैं कंप्लीट करूंगा एक हफ्ते के अंदर तो मुझे मिलेगा ₹1150। उसके अगर डाउन में जाऊंगा तो और एक इंसेंटिव का बात बताया इधर, इधर ट्रिप्स अकाउंट बोल रहे हैं, अगर 65 ट्रिप्स कंप्लीट करूंगा तो मुझे ₹325 का इंसेंटिव मिलेगा, अगर 90 ट्रिप्स में कंप्लीट करूंगा तो मुझे ₹525 का इंसेंटिव मिलेगा। इसमें कुछ क्राइटेरिया भी रखा है कि आपको 5 ऑर्डर से ज़्यादा हफ्ते में नहीं करना है, स्लॉट जो है आप बुक किया लेकिन नहीं किया ऐसा 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और क्या बोलता है कंप्लीट एटलीस्ट 9 पीक्स, मतलब वो 11 बजे से 3 बजे, फिर 6 बजे से रात 10 बजे, ऐसा जो पीक्स टाइम होता है वो आप कम से कम 9 पीक्स आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये है सिस्टम, और ये देख सकते हो दोस्तों सी ऑर्डर, तो ये पे अगर देखूंगा ना तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर कहाँ पर मिलेगा, वो जो एरिया है वो एरिया बताएगा इधर, ठीक है। तो ये देख सकते हो कितना सारा ऑर्डर वेट कर रहा है इधर इधर, इधर मैं जाऊँगा तो 10 मिनट के अंदर, इधर बोल रहा है कि गेट एन ऑर्डर विद इन 10 मिनट्स, 10 मिनट के अंदर ऑर्डर मिल जाएगा, ठीक है। कि ओके ऑर्डर तो ऑलरेडी बच चुका है, ये ₹34 का ऑर्डर है लेकिन दिखा रहा है 6.55 किलोमीटर, तो पहला ऑर्डर है, कंफर्म कर देता हूँ और जाना है यहीं पे, ठीक है दोस्तों। अगर ऐसे लोकेशन पता नहीं था आप ये लोकेशन देख के भी आप आइडिया लगा सकते हो आपको कितना दूर तक डिलीवरी करना है, ठीक है। तो ये एरिया तो मुझे पता है बहुत अच्छे से, और नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है, जो भी है मैं कर लेता हूँ पहले, और ऐसे ही दिन का शुरुआत हो गया दोस्तों। आपको अगर इंटरेस्ट है तो बस कमेंट कर देना जो भी चीज़ आपको चाहिए, और ऊपर से दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर देना, ठीक है। दोस्तों ये है मेरा असली गेटअप, मतलब डिलीवरी के लिए ये स्विगी टी शर्ट कैप सनग्लास पहनता हूँ, क्योंकि बहुत धूल उड़ता है, ठीक है, जिसके लिए आँख में जाने से गाड़ी चलाने में थोड़ा दिक्कत होता है, जिसके लिए सनग्लास पहनना पड़ता है, और मेरा आँख में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये बात सही है, ठीक है। दोस्तों आप लोगों को पता है मैं एक्सेल माइक में डिलीवरी करता हूँ, ये है बैग, इसमें रखता हूँ और निकालना है यहाँ से, अभी फिलहाल पहला ऑर्डर जैसे कि आ चुका है, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, और यहाँ से निकलना है अभी फिलहाल, एक ऑटो भी खड़ा है, और ये देख सकते हो इंडिकेटर जो है टूट गया, अभी क्या करेगा, पैसा भी नहीं है ठीक से कि मैं इसको रिपेयर करूँ। दोस्तों ये है पिकअप लोकेशन, फला पत्ती पकड़ी क्या है और आ गया, पहुँच गया, अभी फिलहाल पिकअप कर लेता हूँ। दोस्तों जैसे कि मैंने पहुंच गया तो क्या कर देता हूँ, इसमें रिच पिकअप लोकेशन कर देता हूँ और कंफर्म भी कर देता हूँ। अभी ऑर्डर रेडी नहीं है, ऑर्डर रेडी होने में काफ़ी टाइम लगता है, इधर जितना बार मैं इधर आया कम से कम 15 मिनट के आसपास मैंने बैठ रहा है, ठीक है। तो ये रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छा खासा है, आप देख सकते हो काफ़ी सुंदर है देखने के लिए, ठीक है। तो बस ये सोफ़ा है, सोफ़ा में बैठ जाता हूँ, हर कोई इधर आके बैठते हो। तो यार एक ही बात बताना चाहता हूँ, अगर पहले बार देख रहे हो वीडियो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को एक लाइक कम से कम कर दो, क्योंकि अच्छा लगता है, अगर वीडियो को लाइक मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और दोस्तों एक बात है कि जितना भी अभी डिलीवरी कंपनी है हर किसी ने सबसे कम पैसा दे रहे हैं, मतलब पता नहीं यार न्यूज़ में अगर देखेंगे तो देखे बोलेगा कि जोमेटो या स्विगी जो भी डिलीवरी है तो उसमें बहुत ड्यू है, उन लोगों का बहुत कर्ज है, ठीक है, उन लोगों का फ़ायदा ही नहीं होता, बहुत कर्ज में डूबा हुआ है, और इसीलिए जो डिलीवरी बॉयज है हर किसी से मतलब पैसा बहुत कम मिल दे रहा है। तो अभी एक एक ऑर्डर में देख सकते हो, अभी 6 किलोमीटर का जो अप डाउन है उसमें ₹34 मिला है, तो ये एक किलोमीटर में कितना मिल रहा है, ₹7 भी 6 रुपये भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, 6 रुपये से भी कम मिल रहा है, तो ये सही, एक एक किलोमीटर 6 रुपये, लेकिन हाँ उसके साथ इंसेंटिव आता है, वही थोड़ा बहुत मिल जाता है, और कुछ नहीं।
और जो अभी मैं अगर 2 घंटा कंप्लीट करूँगा तो मिलेगा 40 रुपया, और ये 4 घंटा कंप्लीट कर दूँगा तो मिलेगा 100 रुपया। ठीक है, उसका भी एक इंसेंटिव का जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल दोस्तों देख सकते हो फिक्स्ड पे लंच ये 2 घंटा कंप्लीट करने से 40 रुपये मिलेगा लॉग इन टाइम आप देख सकते हो, और अगर 3 घंटा 45 मिनट तो 100 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। तो यही मैं कंप्लीट करने वाला हूँ, सिर्फ 11 बजे से 3 बजे तक काम करूँगा 4 घंटे का। ठीक है, वही है सिर्फ टाइमिंग फिलहाल अभी मेरे लिए। और इसमें क्या क्या क्राइटेरिया रखा है, डू नॉट रिजेक्ट मोर देन वन ऑर्डर बोल रहे हैं, एक दिन में एक ऑर्डर से ज़्यादा नहीं करना है, डिलीवर एटलीस्ट 3 ऑर्डर, 3 ऑर्डर तो कम से कम हो जाएगा, रिजेक्ट तो नहीं करूँगा, जितना हो सके पूरा करने के लिए ट्राई करूँगा। तो दोस्तों देख सकते हो 14 मिनट 15 मिनट होने वाला है, अभी वेट कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक ये ऑर्डर जो है रेडी नहीं हुआ, काफ़ी टाइम हो गया। ठीक है, एक ही है थलो पर मशरूम बिरयानी, एक ही चीज़ बनाने में कितना टाइम लगता है पता नहीं। तो दोस्तों अभी जगह ऑर्डर रेडी हो गया, देख सकते हो ऑर्डर इज़ रेडी फॉर पिकअप, तो यही है ऑर्डर। फिर दोस्तों ये जो ऑर्डर है और ये मोबाइल, इसको नीचे देख सकते हो पिकअप कंप्लीट करना पड़ेगा, उससे पहले सॉरी ये जो वेरीफाई करना पड़ेगा, इसमें एक नंबर रहता है। ठीक है, ये नीचे वाला नंबर जो देख सकते हो दोस्तों, ये नीचे ये नंबर डालना पड़ेगा 6621, ये पे डालना पड़ेगा 6621 6666 हो गया 6621 यार कंपनी है 21। तो ये ग्रीन कलर आ गया, देखा, तो पिकअप कंप्लीटेड, इसको इधर डालना है, तो ये अभी जाना है लोकेशन पे। ठीक है, और ये है ऑर्डर। तो दोस्तों ऑर्डर को लेके पहुंच गया डिलीवरी लोकेशन पे। ठीक है, ये है, तो पहले तो मार्किंग कर देता हूँ रीच लोकेशन, और डिलीवरी करना है फर्स्ट फ्लोर में जाके, तो ये है स्टेप, और इससे चलता हूँ, ये भी खाना भी देख सकते हो, तो ये डिलीवरी करता हूँ पहले। तो डिलीवरी हो चुका है, कंफर्म कर देता हूँ, और इसमें मिलता होगा 34 48 रिटर्न पे मिला है, वेट टाइम ओके, वेट टाइम की वजह से ज़्यादा पैसा मिला है। ठीक है, और कुछ नहीं, तो चलो गेट नेक्स्ट ऑर्डर के लिए चलता हूँ। ये गेट नेक्स्ट ऑर्डर, ये देने के बाद नया ऑर्डर के लिए रेडी हो जाएगा मेरा आईडी। ठीक है, अभी एक ही ऑर्डर किया दोस्तों, एक ही ऑर्डर में मुझे मिला 48 रुपीज़ का, ये 48 और टोटल अर्निंग वीकली हो गया 1018 रुपया। ठीक है, चलो नेक्स्ट ऑर्डर करके देखता हूँ। तो दोस्तों एक बात बताता हूँ, ये आज पेट्रोल नहीं डाला, मतलब बिल्कुल डालने की ज़रूरत भी नहीं होगा, क्योंकि कल मैंने 170 रुपये का पेट्रोल डाल दिया और उसी से 4 घंटा तक आराम से चल जाएगा। ठीक है, तो कल भी ऐसा ड्यूटी किया था, ऐसा नहीं कि नहीं किया, कल भी ड्यूटी किया, तो उसी से भी थोड़ा बहुत खर्चा हुआ, लेकिन जितना भी है आज तक हो जाएगा, तो आज पेट्रोल का कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना भी होगा बस फायदा। दोस्तों 11 बजे लॉग इन किया आपने तो देखा ही है, और अभी 12 बज गया, तो 1 घंटे में एक ही ऑर्डर, वो भी 48 रुपीज़ का। ठीक है, और ये टाइम मतलब 11 से 12 बजे टाइम ना ब्रेकफास्ट टाइम होता है ना लंच टाइम होता है, जिसके लिए थोड़ा कम मिलता है, लेकिन 12 बजे से 3 बजे तक होता है लंच टाइम, उस टाइम थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलता है। लेकिन आज है गुरुवार, वो भी पता नहीं कि क्या होगा, मैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए वीडियो बनाया, लेकिन ऑर्डर उसके लिए आ गया ऑलरेडी, मैं दिखा देता हूँ। ये दोस्तों देख सकते हो, दिखाई दे रहा है कि 20 रुपये का ऑर्डर है, समझ में नहीं आ रहा है जैसे, दोस्तों आप देख सकते हो शायद इसमें 20 रुपये का ऑर्डर शो रहा है, 4 किलोमीटर 4.29 किलोमीटर, तो मतलब 4 किलोमीटर 20 रुपये कैसे है यार। चलो ठीक है, करना पड़ेगा अभी, जैसे कि टाइम है, पिकअप कर लो, अभी 12:02 हो गया, अब अगर देखना है तो देख सकते हो इधर। ठीक है, तो चलो इसको पिकअप कर दे और फिर डिलीवरी कर दे, पिकअप डिलीवरी ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन 4 किलोमीटर दिखा रहा है। दोस्तों ये है जेकेएस बैग्स, ये ऐसे ऑर्डर है अभी फिलहाल 20 रुपये का, तो ये पिकअप कर दो, ये केक शॉप है, तो देखता हूँ ऑर्डर रेडी हुआ कि नहीं। तो दोस्तों ये सेकेंड ऑर्डर भी रेडी हो चुका है, अभी फूड रेडी मार्क नहीं किया अभी तक फिलहाल, तो अभी मार्क होने से मैं इसको पिकअप करके लेके जाऊँगा, और डिस्टेंस भी ज़्यादा नहीं है, बहुत ही नज़दीक है। ये फूड रेडी हो गया और साउंड भी आ रहा है, देख सकते हो, कन्फर्म कर देता हूँ आइटम, ओके ये पिकअप कर देता हूँ, तो मेरा ऑर्डर जो है पिकअप हो गया, अभी जाना है ये लोकेशन पर। तो दोस्तों सेकेंड ऑर्डर लेके ड्रॉप लोकेशन पहुंच गया, कंफर्म कर देता हूँ, मतलब पहुंच गया मतलब रीच कर दिया अभी, ओ डिलीवरी हो गया, सॉरी यार डिलीवरी नहीं करने से डिलीवरी कर दिया ऑलरेडी,
सॉरी, और ये देख सकते हो दोस्तों, अभी तक दो ही ऑर्डर कंप्लीट किया और अभी टाइम हो गया 12:26, ठीक है। तो बहुत लेट में ऑर्डर आ रहा है, प्लस छोटा छोटा ऑर्डर है, ठीक है। लेकिन क्योंकि उसमें जो टाइम है, टाइम से भी पैसे मिलते हैं जिसके लिए, तो ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। लेकिन फिर भी जैसे कि मैंने फुल टाइम नहीं करता, जो लोग फुल टाइम करते हैं उन लोगों के लिए वो शिफ्ट वाइज मिलता है, उसमें ज़्यादा पैसा मिलता है। और मेरा तो शिफ्ट वाइज नहीं, मेरा पार्ट टाइम है, इसलिए टाइम के हिसाब से करना पड़ रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट ऑर्डर के लिए वेट करता हूँ, देखता हूँ कब तक मिलता है। इस भाई साहब का हालत देखो, ये अभी कैसे बैठा है, क्योंकि ऑर्डर किसी के पास भी नहीं आता, ज़्यादातर राइडर इधर उधर हर कोई घूम रहा है, ठीक है। ज़्यादा अभी क्या है, देखो ये जोमेटो भाई साहब है, उन्होंने भी इधर बैठा है, क्योंकि ऑर्डर किसी का भी नहीं लगता है, ठीक है। ऐसा ही सिचुएशन है अभी फिलहाल, क्योंकि गुरुवार तो बिल्कुल भी किसी का भी नहीं आता, हर कोई इधर ऐसा ऐसा बैठा रहता है। तो दोस्तों स्विगी में 10 रुपये का ऑर्डर कब से चालू हो गया मालूम नहीं यार, अब देख सकते हो 10 रुपये का ऑर्डर आया है अभी एक, मतलब क्या करेगा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ओके, दो ऑर्डर आया, एक 10 रुपये का, एक 20 रुपये का, पहले 10 रुपये का आया था, अभी बाद में 20 रुपये का आया। चलो दोनों का दोनों हो गया, गीतम बेज रेस्टोरेंट से आया, तो चलो इसको डिलीवरी कर दो, क्या करेगा अभी। 30 रुपये का ऑर्डर, दो ऑर्डर दोस्तों, ये जो दो ऑर्डर था देख सकते हो, फूड इज़ रेडी, ठीक है। तो ये दोनों ऑर्डर रेडी हो गया, लेकिन दोस्तों ये ऐसा 10 रुपये 20 रुपये ऑर्डर लेके क्या होगा बताइए। अगर देख सकते हो इधर सब लोग, इधर भाई सब लोग तो सो तक रहा है, इधर क्या दिखाएंगे, ये लोग सो रहा है, इधर हर कोई खड़ा है, किसी का भी ऑर्डर ठीक से नहीं लग रहा है, मतलब सिचुएशन बहुत ख़राब है। तो ये है दो ऑर्डर, आप देख सकते, ये अब पिकअप भी हो गया, अभी फिलहाल दोनों रेडी था, पिकअप भी हो गया, अभी चलता हूँ डिलीवरी पॉइंट। लेकिन 30 रुपया डिस्टेंस 4 किलोमीटर से भी ऊपर, जो भी है जाना पड़ेगा, अभी पैसा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पैसा ज़रूरत का। दोस्तों जो मल्टी ऑर्डर आया था उसका पहला ऑर्डर लेके पहुंच गया लिफ्ट के अंदर, ठीक है, क्लोज करता हूँ और जाके डिलीवरी करता हूँ। और एक बात है कि इतना कम पैसा दे रहे, मतलब इतना मजबूरी उठा रहा है हम लोगों का, क्या बोलता हूँ, मजबूरी का फ़ायदा बोलता है, इसको बोलता है मजबूरी का फ़ायदा, मतलब एक एक ऑर्डर में 10 रुपये देता है, समझ रहे हो आप। दोस्तों ऑर्डर कर दिया डिलीवरी और मिला है 20 रुपये, देख सकते हो पहले ऑर्डर में, अभी जो नेक्स्ट होगा वो तो 10 रुपये मिलने वाला है, उसका और क्या बोलूँ। तो दोस्तों सेकेंड ऑर्डर का ड्रॉप लोकेशन में भी पहुँच गया, और ये लिफ्ट का देखो पूरा ऑरेंज कलर जैसा बना दिया, बहुत अच्छा दिख रहा है। और ये अभी डिलीवरी कर दो, देखा दो 10 रुपया। इधर फोटो डी होगा, काउंटर में कोई नहीं है जी। 8975 रेडी, 8975 फोटो डी, 8975। हाँ दोस्तों ये था थर्ड या फोर्थ ऑर्डर, जो भी हो ये भी डिलीवरी कर दिया मैंने, अभी देखते हैं इसमें मिलता कितना है एक्चुअली। ओके 37, इसमें 34 रुपीज़ शो रहा था, 37 रुपीज़ मिला, क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस में भी था, ठीक है। तो चलो गेट नेक्स्ट ऑर्डर में चलता हूँ फिर, ये है गेट नेक्स्ट ऑर्डर, देख सकते हो तो इसमें डालने के बाद नेक्स्ट ऑर्डर आता है। और आप भी देख सकते हो तो 1:58 हो गया, और अभी तक इन अर्निंग कितना है, 136 रुपये ओनली इधर, ठीक है, बहुत ही कम, क्या करेगा अभी समझ नहीं पा रहा, मतलब आज गुरुवार है, माना गुरुवार है, लेकिन इतना कम क्या बोलेगा। तो दोस्तों फिर से एक ऑर्डर बच चुका है, देख सकते हो 46 रुपीज़ का डिस्टेंस, 8.2 किलोमीटर, मतलब कितना दूर दूर का देता है, लेकिन पैसा बहुत कम देता है, इसलिए अच्छा नहीं लगता यार, क्या करेगा। दोस्तों रेस्टोरेंट पे पहुंच गया, और देखा फूड भी रेडी है, तो क्या करना है, रिच पिकअप लोकेशन कर दो, फिर से कन्फर्म कर देता हूँ और बोलता हूँ 0346 जी, 0346 0346, ओके मिल गया 0346। तो दोस्तों 0346 का नंबर का खाना मिल गया, अब इसको पिकअप कर जाओ, उससे पहले तो ऑर्डर कन्फर्म करना पड़ेगा, और इसमें कन्फर्म मैंने आईडी दे रहा देखे रहता है, तो वो भी दे देता हूँ। ओके नीचे है 2315 देख सकते, 2315 कम्प्लीट हो गया, अभी इधर पिकअप मार देता हूँ, हो गया, और अभी जाना है ये एड्रेस पर। तो दोस्तों फिर से 20 रुपये का ऑर्डर, क्या बोलेगा, कन्फर्म, ओके कन्फर्म कर दिया, ऑर्डर तो फिलहाल रेडी है, अब देख सकते हो, ठीक है, मैकडोनल्ड से आया, तो इसको पिकअप करता हूँ फिर डिलीवरी करता हूँ, और ये लास्ट ऑर्डर करूँगा दोस्तों। अभी टाइम हो गया
2:36, ठीक है, ये कहाँ पे चला गया, 2:36 हो गया। तो ये लास्ट ऑर्डर करके बस रूम जाना है। और दोस्तों क्या बताओ, बहुत बेइज्जती हो गया सबसे। तो ये है मैकडोनल्ड्स, पहुँच गया और ऑर्डर भी रेडी है, पिकअप करके आता हूँ फिलहाल। तो दोस्तों ड्रॉप लोकेशन पे पहुँच गए, लास्ट ऑर्डर है आज के लिए, ठीक है। और ऐसे जगह पे ऑर्डर आया, मतलब मेरा रूम का, अभी मेरा रूम यहाँ से 100 मीटर दूरी है, दूरी पर है, तो बहुत अच्छा है। ये ऑर्डर दे के मैं रूम चला जा सकता आराम से। दोस्तों ऑर्डर तो डिलीवरी नहीं किया, लेकिन ऑर्डर को डिलीवरी मार्क कर सकता हूँ, क्योंकि कस्टमर कॉल कर ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया, तो कन्फर्म डाल देता। और इसमें 20 रुपीज़, तो 20 रुपीज़ ही मिलने वाले हैं, आप देख सकते हैं ये 20 रुपीज़ ही मिला है। और अभी मेरा ड्यूटी जो है ख़त्म, तो मुझे ऑफलाइन जाना चाहिए, अभी ऑफलाइन हो गया, आप देख सकते हो। अभी भी ऑर्डर मैंने कर सकता हूँ, लेकिन अभी तक कितना अर्निंग किया वो आपको दिखा देता हूँ। 202 रुपये, ठीक है, इसमें आपको दिखाई देगा वो साथ, ये 202 रुपये का आज का अर्निंग हो गया। और दोस्तों उसके साथ मेरा जो इंसेंटिव है, ये वाला इंसेंटिव, ये मिलेगा 100 रुपया, ठीक है, तो हो गया 300 रुपया, 302 रुपया हुआ है आज के लिए, ठीक है, आप देख सकते हो। दोस्तों यही है ज़िंदगी, डेली का प्रोसेस ऐसा ही है, कभी 300, कभी 400, कभी 500 तक मिल जाता है। तो आज गुरुवार था, तो ऑर्डर थोड़ा कम आ रहा है। ऐसा है, अगर कोई ऐसा जोमेटो या स्विगी डिलीवरी का काम करता है, अगर छुट्टी लेना चाहता है हफ्ते में एक दिन, तो ये गुरुवार परफेक्ट है, ठीक है। इस दिन बहुत ऑर्डर कम, बहुत कम आता है, और पैसा भी बहुत कम कम देता है, हर एक ऑर्डर में 20-25 इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। डिस्टेंस भी काफ़ी अच्छा दे देता है, 6 किलोमीटर 8। अभी एक ऑर्डर मैंने कैंसिल कर दिया, वो 9 किलोमीटर का था, आ रहा था 54 रुपीज़, तो 6 रुपया पर किलोमीटर हो रहा था। तो ये मैं देखा नहीं, इतना दूर जाने के बाद आने के बाद 18 किलोमीटर हो जाएगा, तो मुझे नहीं करना है, तो ये सोच के मैंने नहीं किया, ऑर्डर कैंसिल कर दिया, ठीक है। और आखिर में देखा दिया 202 रुपया हुआ है, और इंसेंटिव जो है 100 रुपया आने वाला है, तो 302 रुपया होने वाला है, वो भी 4 घंटे में, ठीक है। तो ये है काम, और ऐसा ही 4 घंटा अभी तक पूरा नहीं हुआ, 15 मिनट बाकी है, तो 3 घंटा 15 मिनट में ऐसे ही 300 समथिंग मिला है, 302 रुपये। तो दोस्तों यही है, पार्ट टाइम के हिसाब से अगर करना चाहते हो तो ही सही है, फुल टाइम मत करो, क्योंकि दिक्कत होता है बहुत, और खर्चा मतलब पेट्रोल के हिसाब से तो बहुत चला जाता है, और अर्निंग बहुत कम होता है। स्विगी में थोड़ा सा कम होता है, जोमेटो में इससे थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन जोमेटो में तकलीफ भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत लॉन्ग लॉन्ग भेज देता है, इतना दूर जाने से अच्छा भी नहीं लगता है, ठीक है। तो वही है दोस्तों, और अगर आपको अगर ज्वाइनिंग करना है तो बस जरूर कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो बस लाइक करके जाइए, कोई बात नहीं।